In this class we are going to solve the question answer of chapter number 3. Name of the chapter is Our Food. So let's we start to solve the question answer. Now dear children, you can see the question here. What is given in first? A, question number A. It is given here, tick the correct option. So tick the correct option. Yahan aapko correct option mein tick lagani hai. What is the first question here? Pehli question kya hai? What is the food specialty of West Bengal? यानी कि वेस्ट बंगाल की कौन सी फूड है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशलिटी क्या है, वो तो क्या होगा? और करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, फिश एंड राइस, माछेर झोल, माछ भात, फिश एंड राइस, दिस इज द फूड स्पेशलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल. नाउ नेक्स्ट वन प्रोसीड, द स्टेपल डाइट ऑफ पंजाब इज, पंजाब का स्टेपल डाइट क्या होगा? मक्के दी रोटी और सरसों दी साग, हमने कहानी पढ़ा था ना. नाउ कॉर्न, ऑप्शन नंबर सी कॉर्न. Now next one, next is question number 3. What is given in 3? 3 is given the vegetable that can be eaten cooked as well as raw. यानी वैसा कौन सा vegetable है जिसे हम लोग cook करके यानी पका कर भी खा सकते हैं और raw यानी कच्चा भी खा सकते हैं, क्या होगा? Correct option will be option number A, carrot, गाजर. गाजर खाते हैं ना, तो carrot हम लोग पका कर भी खा सकते हैं, cook करके भी, और हम इसे रॉ भी खा सकते हैं यानी कच्चा भी खा सकते हैं. नेक्स्ट वन फोर्थ नंबर इज दैट द स्पाइस दैट इज कॉमनली ईटन फ्रेश, यानी कौन सा ऐसा स्पाइस होता है, मसाला होता है जो मसाले की कैटेगरी में आती है और उसे हम लोग फ्रेश खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जिंजर, यानी कि आदि. आदि को हम लोग कच्चा भी खाते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, रॉ भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं. ओके, तो दिस वन कंप्लीटेड. And next one, question number B. What is given in the B? B, fill in the blanks. What is given in the fill in the blanks? So, yahan par you can see here, dear children, help box options have been given here. And now, what is given the first? The food habits of people depend on and crops grown in that area. And logon ki jo khane ki aadat hoti hai, food habits hoti hai, ye kis par depend karti hai, kya kya mein? To yahan hoga climate. You have to write down here climate. So, climate and crops grown in that area. कोई भी व्यक्ति, कोई किसी की जो खाने की हैबिट होती है, फूड हैबिट होती है, वो वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करती है, यानी कि मौसम पर, और वहाँ कौन कौन से फसल उगाई जाती है इस पर डिपेंड करती है. तो आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन द सेंटेंस को, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इट हैज़ बीन एक्सप्लेन ड्यूरिंग द स्टोरी. तो कहानी में जब आपको बता रहा था तो इसको एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ. तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको करेक्ट ऑप्शन में बताने जा रहा हूँ, ताकि कम से कम समय में आपकी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए. यही आप भी चाहते हो ना? हाँ, यस आई नो, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 में, वी गेट मिल्क फ्रॉम, वेरी इजी, मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से. यू हैव टू राइट डाउन हियर एनिमल्स. नेक्स्ट वन, पीपल ऑफ राजस्थान यूज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ, क्या यूज करते हैं? पिकल्स, अचार यूज करते हैं. यू हैव टू राइट डाउन हियर पिकल्स. नेक्स्ट वन, मोस्ट स्पाइसेस आर डैश यूज, अधिकतर जो स्पाइसेस होते हैं यूज किए जाते हैं कैसे? ड्राइड, यानी कि सूखा हुआ. तो यू हैव टू राइट डाउन हियर ड्राइड. एंड नेक्स्ट वन, वी गेट मोस्ट फूड आइटम्स फ्रॉम, अधिकतर हमें फूड आइटम्स कहाँ से मिलते हैं? वी गेट मोस्ट फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स, एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज यूज टू से यू टू प्लांट अ सैपलिंग ऑन योर बर्थडे और एनी ओकेजन. किसी भी ओकेजन में आप प्लांट लगाइए, पौधे लगाना चाहिए, ताकि, क्योंकि सारे जो फूड आइटम होते हैं कहाँ से मिलते हैं? मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स प्लांट से मिलते हैं, और भी बहुत बेनिफिट्स हैं. ओके, नेक्स्ट वी प्रोसीड. नेक्स्ट में व्हाट इज गिवन हियर? मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ड से मैच करनी है. तो कोलकाता, कोलकाता आपको मैच करनी है किससे? रसगुल्ला, वेरी नाइस. तो कोलकाता जाएंगे तो आप रसगुल्ला जरूर खाएंगे, बहुत ही फेमस होती है और चीप रेट पर भी मिलती है. गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी में गणेश जी की पूजा होती है और गणेश जी को क्या पसंद है? मोदक यानी लड्डू. तो ई में होगा, वन का डी रसगुल्ला कोलकाता, एंड टू का गणेश चतुर्थी में मोदक. नंबर 3 पंजाब, पंजाब, पंजाब क्या होगा? पंजाब का होगा सरसों दी साग, सरसों का साग, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट वन तमिलनाडु, तमिलनाडु का इडली डोसा सांभर वड़ा, है ना, अच्छा लगता है वहाँ पर, ये बनती वहाँ पर बनते हैं, आप भी बनाते हो आई नो. तो तमिलनाडु ऑप्शन नंबर बी डोसा, कश्मीर ऑप्शन नंबर सी गोस्तावा. नाउ दिस वन कंप्लीटेड, तो मैच द फॉलोइंग ऑल्सो कंप्लीटेड. एंड नेक्स्ट वी प्रोसीड, व्हाट इज गिवन? क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर डी का,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आंसर लिखनी है। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई आर द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल चेंजिंग। लोगों की जो खाने की आदत होती है ये आज बदल रही है, चेंज हो रही है, ऐसा क्यों होता है। आंसर इज दैट ये नाउ अ डेज पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इवन वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वेयर दे ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, सो द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल आर चेंजिंग। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में भी आ जाए। तो व्हाट इज गिवन हियर, यहाँ बताया जा रहा है डियर चिल्ड्रेन कि आजकल जो है लोग जो है वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं और इसके साथ साथ ही वन कंट्री टू अनदर कंट्री भी जाते हैं, एक देश से दूसरे देश भी जाते हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है वे डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम को खाते हैं, जिसके कारण लोगों की जो खाने की हैबिट्स है वो क्या हो रही है, फूड हैबिट चेंज हो रही है। आप यहाँ पर मान लो दिल्ली में रहते हो, आप कभी चले जाओगे कर्नाटका, चले जाओगे बैंगलोर, चले जाओगे है ना, कर्नाटका में ही बैंगलोर है, वहाँ जाओगे तमिलनाडु चले जाओगे, वहाँ का फूड आइटम्स क्या होता है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आप वहाँ पर जॉब करने जाओ या पढ़ने जाओ तो वहाँ की जो खाने की आदत होती है, खाने की हैबिट्स है, वो आप में भी हैबिट्स हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, लोगों की खाने की जो हैबिट होती है चेंज हो रही है, क्यों, ड्यू टू मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर टू, टू इज दैट कि नेम थ्री फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, वेरी इजी। ऐसे थ्री फूड आइटम्स के नाम बताने हैं जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं। कौन कौन से फूड मिलते हैं, द थ्री आंसर द फूड द थ्री फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर व्हीट यानी कि मकई सॉरी गेहूँ, राइस एंड पल्सेस। तो गेहूँ हो गई, चावल और दाल, ये हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज लिस्ट टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की जो खाने की जो आदत है, हैबिट है, फूड हैबिट्स है, ये प्रभावित होती है, अफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है। तो कौन से ऐसे तीन फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे तीन कारक हैं, कौन से ऐसे तीन चीज़ें हैं जिससे लोगों की जो खाने की जो हैबिट है, फूड हैबिट है, वो प्रभावित होती है। नाउ सी द आंसर हियर, आई हैव रिटन हियर कि टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल आर, फर्स्ट वन आई हैव रिटन पॉइंट वाइज, फर्स्ट वन द क्लाइमेट एंड सेकेंड वन इज दैट द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। तो क्लाइमेट पर डिपेंड करता है और किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन सी फसल उगाई जाती है इस पर डिपेंड करता है, ये दो फैक्टर है जो लोगों के फूड हैबिट्स को, खाने की जो आदत होती है उसको प्रभावित करती है। कंप्लीटेड डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर फोर, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज दैट कि नेम थ्री फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, यानी कौन से ऐसे थ्री फूड आइटम्स के नाम आपको लिखने हैं जो कहाँ से आपको मिलता है, एनिमल्स से। तो ये क्या होगा, नाउ आंसर इज यू कैन सी हियर थ्री फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर मिल्क, मिल्क हमें एनिमल्स से मिलता है, गाय से, एग एंड फिश। तो यू कैन राइट इन दिस वे, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव इज दैट कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट नॉट टू वेस्ट फूड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट नॉट टू वेस्ट फूड, यानी फूड हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्यों, हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए यानी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्यों, और इलेक्ट्रिसिटी को यानी बिजली को इसे भी हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, आपको दो कारण बताने हैं, टू पॉइंट्स फॉर ईच, दोनों सभी के लिए, तीनों के लिए दो दो पॉइंट्स आपको बताने हैं क्यों आपको फूड नहीं वेस्ट करनी चाहिए, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। तो हियर है आई हैव रिटेन पॉइंट वाइज, बिल्कुल पॉइंट वाइज मैं लिखा हो, दो दो पॉइंट सबका लिखा हो, टू टू पॉइंट्स आई हैव रिटेन ऑलरेडी, सो दैट यू कैन ईजली अंडरस्टैंड एंड लर्न। तो फर्स्ट वन कि वी शुड नॉट वेस्ट फूड बिकॉज, फूड हमें क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट मेनी पुअर पीपल डोंट गेट सफिशियंट फूड टू ईट, यदि हम लोग फूड को वेस्ट करेंगे, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें सफिशियंट फूड नहीं मिल पाता है, भूखे पेट सोना पड़ता है, यदि हम लोग फूड वेस्ट करेंगे तो उन लोगों को फूड नहीं मिल पाएगी, तो दैट्स वाई वी शुड नॉट वेस्ट फूड। नेक्स्ट कॉज है इट मे स्प्रेड डिजीजेज, और यदि हम फूड को वेस्ट करते हैं, फेंकते हैं, तो इससे बीमारियाँ भी फैलती है, बाहर फेंक देते हो तो क्या होगा, वो रोटेन हो जाएगा, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, तो उससे क्या होगी, मक्खियाँ जाएंगी और उससे बीमारी फैलेगी। तो दीज आर द टू कॉजेज। नाउ नेक्स्ट वन,
व्हाई शुड वी नॉट वेस्ट वाटर, हमें वाटर क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्यों नहीं बर्बाद करना चाहिए, लेट्स वी सी। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर बिकॉज, हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट कॉज देयर इज लिमिटेड फ्रेश वाटर इन द अर्थ, हमारे अर्थ में क्या है बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर, पीने वाला पानी अच्छे तरीके से नहीं है, उसकी अमाउंट जो है वो लेस है, कम होती है। तो यहाँ पर क्या है, लिमिटेड फ्रेश वाटर कम है, तो इसे बचा के करनी है, बचा के रखनी है, वेस्ट नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट हियर, इट विल डिक्रीज अंडरग्राउंड वाटर लेवल। यदि हम वाटर को वेस्ट करेंगे तो ये क्या होगा, हमारे ज़मीन के अंदर जो पानी है उसका वाटर लेवल ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज कि वाई शुड वी नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, वी शुड नॉट, तो यू कैन राइट हियर वी शुड नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज फर्स्ट वन यू कैन राइट हियर कि फ्यूचर जनरेशन विल फेस प्रॉब्लम। यदि हम आज इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, तो हमारा आने वाला जो जनरेशन होगा उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, दे विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स। और सेकेंड पॉइंट यू कैन राइट डाउन हियर, वी विल नॉट गेट सफिशियंट पावर सप्लाई। यदि हम बिजली को बर्बाद करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को हम वेस्ट करेंगे, तो हमें क्या होगा, जितनी बिजली मिलनी चाहिए, जितनी पावर सप्लाई मिलनी चाहिए, उतनी सफिशियंट हमें पावर सप्लाई नहीं मिलेगी। तो दीज आर द कॉजेज। ओके नाउ डियर चिल्ड्रेन, तो ऑल क्वेश्चंस से कंप्लीटेड, एंड नेक्स्ट वन इज दैट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, हाउ कैन यू हेल्प चिल्ड्रेन लाइक रेनू। नाउ आई हैव रिटन द आंसर, आंसर इज यू कैन राइट इन दिस वे कि आई कैन हेल्प चिल्ड्रेन लाइक रेनू बाय प्रोवाइडिंग देम फूड। तो रेनू की हेल्प मैं फूड देकर के, भोजन देकर कर सकता हूँ। एंड व्हाट टाइप ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट टाइप ऑफ हेल्प कैन योर पेरेंट्स प्रोवाइड फॉर रेनूज फैमिली। अब आपके पेरेंट्स यदि रेनू की फैमिली को मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। नाउ आंसर आई हैव रिटन कि माय पेरेंट्स कैन गिव सम अमाउंट ऑफ मनी टू रेनूज फैमिली, यानी कि आपके पेरेंट्स जो है रेनू की फैमिली को कुछ पैसे दे के मदद कर सकते हैं, एज वेल एज हेल्प देम इन फाइंडिंग जॉब। और इसके साथ ही हमारे पेरेंट्स जो है वो उसे कुछ नौकरी ढूंढने में, उसकी इसके लिए कुछ जॉब ढूंढ कर देने में इस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि उसके लिए कुछ जॉब ढूंढ दे। इस तरह से इन दिस वे पेरेंट्स कैन हेल्प रेनूज फैमिली। ओके तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आई होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी स्टोरी में या फिर क्वेश्चन आंसर में, आप इजिली कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। ओके डियर चिल्ड्रेन, नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैप स्किल है, आपको मैप स्किल में, आई ऑल्सो कम्प्लीट मैप स्किल, सो लेट्स बी सॉल्व द मैप स्किल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैप स्किल को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज गिवन इन मैप स्किल, फर्स्ट वन इट इज गिवन, इट हैज बीन गिवन ऑन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया कलर एंड लेवल पंजाब वेस्ट बंगाल केरला महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। यानी कि पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में आपको ये स्टेट्स को आपको शो करना, दिखाना है, पंजाब को दिखाना है, वेस्ट बंगाल दिखाना है, केरला दिखाना है, महाराष्ट्र दिखाना है और तमिलनाडु को दिखाना है। सो लेट्स बी स्टार्ट, आई एम गोइंग टू शो यू इन अ मैप। तो मैप में मैं अभी आपको दिखाऊंगा इन स्टेट्स को। नाउ डियर चिल्ड्रेन, दिस इज द मैप ऑफ पॉलिटिकल इंडिया, नाउ पॉलिटिकल मैप, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू विच वन, पंजाब। तो वेयर इज पंजाब, यू कैन सी हियर, पंजाब इज दिस वन, दिस इज पंजाब स्टेट हियर। फुल मैप मैं आपको दिखाऊँ, फुल मैप तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको थोड़ी सी नीचे करके दिखाता हूँ, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई ईजली दिस वन। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड, सो दिस इज पंजाब, वेयर इज पंजाब, दिस वन, दिस इज पंजाब स्टेट। नेक्स्ट वन वेस्ट बंगाल, तो हम लोग प्रोसीड करेंगे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कहाँ पर है, दिस वन वेस्ट बंगाल, आई एम गोइंग टू सर्कल दिस वन, ये दिस स्टेट इज वेस्ट बंगाल। ओके अप टू हियर, तो वेस्ट बंगाल वी लोकेटेड। नेक्स्ट वन इज केरला, तो लेट्स वी सी केरला, लेट्स वी गो टू साउथ इंडिया, साउथ इंडिया केरला, दिस वन केरला, कैन यू सी हियर, नॉट दिस वन, हियर दिस इज केरला स्टेट, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वन महाराष्ट्र, सो लेट्स वी गो टू महाराष्ट्र। देखो मैप में हम लोग कितना स्टेट अभी हम लोग घूम रहे हैं ना, महाराष्ट्र तुरंत हम लोग जा सकते हैं, वेरी फास्ट वी कैन गो टू महाराष्ट्र। तो अब आ जाइए मराठा साम्राज्य, महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र बोलते हैं ना, तो चलिए महाराष्ट्र, दिस इज महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट वन इज दैट तमिलनाडु, तो तमिलनाडु, तमिलनाडु मीन्स डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाडु,
नाडु मीन्स होता है गांव, तो तमिलनाडु यानी कि तमिल लोगों का गांव, तो तमिलनाडु, दिस इज तमिलनाडु स्टेट, वेरी नाइस प्लेस, दिस इज ऑल्सो तमिलनाडु। आप गए हो? मैं गया हूँ तमिलनाडु। आप गए हो कि पता नहीं, मैं गया हूँ। और मैं कहाँ पर गया हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ, मैं गया हूँ कहाँ पर, इस जगह पे रामेश्वरम, ओके, सो तमिलनाडु आई हैव विजिटेड। तो मैप वर्क इज ऑल्सो कम्प्लीटेड एंड ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर कम्प्लीटेड। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर वी विल कम्प्लीट द स्टोरी पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4।